करनी है। टिन प्लेट इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले 6 दिनों से यहाँ पर मल्टीपल नैरो रेंज बॉडीज बन रही थी, एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट से वीकली चार्ट पे एक बुलिश अरामी फॉर्मेशन वापस रीस्टैब्लिश हुआ है। सो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक एलिवेटेड बेस के आसपास वापस स्विंग हो रहा है काउंटर, तो खरीदारी जरूर करनी है। टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा अराउंड 335 के आसपास का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 290 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है टेन प्लेट इस पर्टिकुलर काउंटर। वो है शॉपर स्टॉप प्रदीप जी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं नायका और इन सब प्लेटफॉर्म्स का जो वैल्यूएशन का लॉजिक आया, सेल्स का जो मल्टीपल 10 से और लिस्टिंग अगर 15 के आसपास होती है तो बहुत ही बड़ा गैप है। अगर आप शॉपर स्टॉप का प्लेटफॉर्म को देखें, अब उनके कॉन्सेप्ट स्टोर्स आ गए हैं और नई मैनेजमेंट आने के बाद डिजिटाइज हुए हैं बहुत सारे प्रोसेसेस, और ब्यूटी सेगमेंट काफी अच्छा कर रहा है, फॉर्मेट स्टोर्स अच्छा कर रहे हैं, और जो जो स्क्वायर फीट के हिसाब से जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स होते हैं वो अब कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होंगे, और रिवेंज बाइंग का जो अभी हम अभी होटल्स की बात कर लेते हैं, एयरलाइंस की बात कर रहे थे, तो मॉल कौन से पीछे हैं या शॉपिंग कहाँ पीछे है, तो आई थिंक और प्लस इस पिछले कोविड के पीरियड में शॉपर स्टॉप जैसी स्मार्ट कंपनीज ने बहुत कोशिश करी है कि वो अपने प्रोसेसेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग प्ले है। और वैल्यूएशन गैप जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ बहुत ही ज्यादा है, मतलब आप समझिए कि यहाँ हम 1.5 से 2 गुना बात कर रहे हैं, उधर हम 10 से 15 गुना बात कर रहे हैं, और ये तो एक एक एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर पेडिग्री है, तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट टर्म में लिया है। आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ इट अगर ध्यान में आता है स्मार्ट इन्वेस्टर्स के और फंड्स के तो ये बढ़ सकता है जल्दी, तो मेरे हिसाब से यहाँ से 400 रुपए के स्तर तो इमीडिएटली देख देख रहा हूँ मैं, बेसिस की किस तरीके से प्लेटफॉर्म लिस्ट हो रहे हैं।